नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है रुपीज़ एक लाख अस्सी हज़ार आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है रुपीज़ पांच लाख एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है रुपीज़ पांच लाख लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं रुपीज़ है, रुपीज है, रुपीज चार लाख इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स आपको खुद ही निकाल के दे रखा है रुपीज़ चालीस हज़ार एट परसेंट डिवेंचर्स दे रखे हैं आपको रुपीज़ लाख और टैक्स दे रखा है रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है जिसके लिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए तो नेट प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस कर दीजिए टैक्स तो आपको दे रखा है रुपीज़ बीस हज़ार ठीक है मगर इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर का और लॉन्ग टर्म लोन दोनों का लिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन तो चालीस हज़ार दे रखा है डिवेंचर का इंटरेस्ट और निकाल लीजिए पाँच लाख का एट परसेंट वो भी चालीस हज़ार आ जाएगा तो अस्सी हज़ार आपका इंटरेस्ट आएगा उसको भी प्लस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका दो लाख अस्सी हजार आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स अस्सी हजार आ जाएगा तो दो लाख अस्सी हजार को अस्सी हजार से डिवाइड कर दीजिएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा आइए अब इसको करके देख लेते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल लिया बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैं दे ही रखा था निकाल के तो टेन एट परसेंट एट परसेंट ऑफ फाइव लैख जो कि निकल कर आता है फोर्टी थाउजेंड ठीक है बच्चों तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स जो इस बार रुपीज़ में ही दे रखा है प्लस इंटरेस्ट जो कि लोन का और डिवेंचर्स का दोनों का लिया जाएगा यह आ गया दो लाख अस्सी हजार अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका दो लाख अस्सी हजार और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स है अस्सी हजार ये आ गया आपका थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स ठीक है बच्चों और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों ठीक है इस तरह से निकाले जाते हैं इंटरेस्ट रेशियो